guys, welcome or welcome back to my channel. So hope you guys going good and doing great in your lives. So ये है day 3 of Jammu and Kashmir. अभी हम लोग कटरा में ही हैं and अभी जम्मू जाएंगे. हमने कार वार बुक कर ली है. I'll show you हमने कहाँ से बुक करी है. So yes, let's get in the. अभी हमारे रूम पे चाय आ गई है, वो मैंने थोड़ी सी गिरा भी ली, और बिस्किट. तो मैं नाश्ता कर, ये मैं नाश्ता ही कर रहा हूँ, नाश्ता भी नहीं, बस वेकअप होने के लिए चाहिए सबको. तुम लोग सब चाय पी रहे एंड फिर उसके बाद रेडी होंगे जम्मू जाने के लिए. सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं एंड फिर वहाँ से हम लोग जम्मू के लिए, मैंने कैब कर रखी है, वहाँ से हम जम्मू के लिए निकलेंगे. फिर वहाँ पे हमने एक्चुअली वो एक पैकेज टाइप ले रखा है जो हमें बहुत जगह घुमाएंगे. वैसे पहले घूम चुके बट मेरी डिसाइडेड की अभी टाइम है तो हम लोग एक बार और घूम लेते हैं. सो हाँ, एंड मैं भी यहाँ पे नाश्ता करी, मैंने मैगी मंगाई अपने लिए और बाकी सब पराठे खा रहे हैं. बस हम बच्चे बच्चे मैगी खा रहे हैं एंड हाँ, ये हम लोग नाश्ता करने आ गए हैं. हम सभी लोगों ने आज ये अभी तक 10 पराठा खा चुके हैं. हमने 12वां चल रहा है मेरा तो. पेट का बटन फटने वाला है. बहुत बटन छटक के इनकी आंखों में लग जाए. ये देखो मम्मी खा रही है. हाय खुशी. अब हम लोग जो है कि जम्मू जाने की तैयारी कर रहे हैं. जम्मू में हमने ढेर सारे आज जो है कि स्पॉट फिक्स किए हैं, जैसे बागे बहू हो गया, तवी नदी हो गई, और उसके साथ साथ हम लोग रघुनाथ मंदिर भी जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर जो है कि हम लोग शाम को अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे. थैंक यू. और आयुष, उसने नए नए चश्मे लिए हैं, इतने बड़े. सब लोग बैठे हैं यहाँ पे. मैंने फिलहाल के लिए बाल बांध दिए क्योंकि गर्मी हो रही है एंड ओके गाइस, तो अभी हमने गाड़ी बुक जो की थी वो आने वाली है. यहाँ पे सब बैठे हैं, हम सभी तैयार बैठे हैं यहाँ पे जाने के लिए. तो सो गाइस, अभी हम लोग गाड़ी हायर की हुई आने वाली है हमारी. हाँ, तो हम लोग भी बैठे रिसेप्शन में. तो चाड़े वाइस प्रेसिडेंट लेवल का आदमी ऐसे ही करता है. पांच के पांचवा ऊंची हो. ये जहाँ से हमने गाड़ी बुक कराई थी ये वो है, और ये हमारी इतनी बड़ी ट्रैवलर आई है, तो हम लोग इससे जाने वाले हैं. बोलो जोर से, बोलो, आवाज नहीं आई. आते जाते जोर से बोलो, सारे बोलो, बोलो जयकारा सिरवाली का, बोल साचे दरबार की जय. गोरी है कलाइया बना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां. लेडीज गाएंगी थोड़ा तेज गाइए. लेडीज वर्सेस जेंट्स कर दो, मैं बता रहा हूँ मैच. लेडीज वर्सेस जेंट्स. नहीं, आपका बाजी नहीं आया. सुनो सुनो दीपक, लेडीज वर्सेस जेंट्स है. चलो, खुशी कप्तान है लेडीज का. नहीं, खुशी भी गाएगी. कप्तान ना कप्तान कुछ नहीं, हमारा कप्तान है क्रिस. हाँ चलो भैया. यसे यार मेरे, यार मेरे, यार तूने दिल चुराया मेरे यार. और जो गाना है थोड़ा ज्यादा गाना है, जो गाना है उसको थोड़ा आगे तक गाना है. आज पता चल रहा है लड़कियां तेज है कि लड़के. रात कली तेरे खाब में आई और गले का हार बनी. ये हम टनल से पास करते हुए, और ये बहुत ही लंबी टनल है, लगभग 500 मीटर से लंबी टनल है. ये पूरा पहाड़ काट कर बनाई हुई टनल. पहले पहले इससे घूम कर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये टनल काट देने से अब स्ट्रेट रूट हो गया है गंगा जी. तो सबसे पहले हम लोग आए थे कोल कंडोली माता मंदिर, जिसे नगरोटा मंदिर भी कहते हैं. यहाँ पे कहा जाता है कि वैष्णो माता जो थी उन्होंने अपना बचपन यहीं पे गुजारा है, तो ये वहाँ का मंदिर है. यहाँ पे स्टार्टिंग में इसे चुनरी फूल और यहाँ पे प्रसाद में कमल चढ़ता है, तो ये सब चीज़ें मिलती हैं. तो यहाँ पे हम अंदर गए मंदिर के. काफ़ी बड़ा मंदिर था, इसमें काफ़ी भीड़ भी नहीं थी, लेकिन हाँ मतलब काफ़ी लोग थे और अच्छी जगह थी, काफ़ी सुंदर मंदिर था ये.
एक्चुअली कहा भी जाता है कि जो वैष्णो देवी की यात्रा होती है वो जम्मू के नगरोटा में स्थित एक काल कंडोली माता मंदिर जो है वहाँ से शुरू होती है, और ये मंदिर जो है 15 किलोमीटर की दूरी पे है जम्मू से। गाइस अभी मैं मंदिर के आसपास ही उधर घूम रही हूँ, मोस्टली वीडियोस वॉइस ओवर में योगी योगी मेरी खुद की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, वॉमिटिंग वगैरह हो गई है। अब हम नगरोटा में मंदिर से निकल चुके हैं और हमारा टीम लीडर जो आपको सामने दिख रहा है ये थोड़ा डाउन हो चुका है, इसकी हालत हो गई है पतली, अब ये बोल कुछ पा नहीं रहा है, तो इसने बोलने के लिए हमें चुना है, हमारी तो आवाज़ आप पहले से ही जानते हैं। तो ये सभी लोग अभी हाय हाय करते हुए बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। ये तो स्पेशल सत्यनारायण धाम का जय माता दी, जय माता दी। और ये देख लीजिए इसकी शक्ल, ये उल्टी उल्टी सब कर दिया है। तीन चार लोग तो नहा ही लेते हैं पूरा होने के लिए, जो चिनाब का पानी है सुना है आपने, आपने गाने में सुना भी होगा कि बहता चिनाब का पानी, तो कौन सा गाने में? हिना में गोरी है गुलाब की छोरी है चिनाब की, हाँ गोरी है गुलाब की छोरी है चिनाब, चिनाब का पानी लगा हुआ है। चिनाब क्या होता है? चिनाब नदी का जल, जम्मू 18 किलोमीटर बचा, इतना ठंडा है ना। यही रोड है हम जहाँ पहले रहते थे जम्मू में, वो वहाँ को जाती है ग्रेटर कैलाश, हम लोग न्यू जम्मू में रहते थे पहले, सीधे जाएगा। चलो चलते हैं, चले बिन्यास करेंगे यहाँ पे। फिर मैं पहुँच गई थी बहू फोर्ट, हम लोग यहाँ बहू फोर्ट की तरफ आए हैं, ये पीछे पूरी शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, तो हम इधर को आए हैं। और इतनी गर्मी हो रही थी यहाँ पे, मैंने नींबू पानी तो पिया ही था क्योंकि वॉमिटिंग हो गई थी, तो मैं सोचा कि एक आइसक्रीम खाते, तो मैंने यहाँ पे भी बर्फ़ वाली, गर्मी में सबसे अच्छी बर्फ़ वाली आइसक्रीम लगती है। तो ये रहा वेलकम टू बहू फोर्ट, और ये इसके आगे यहाँ पे अंदर फ़ोन्स वगैरह ले जाना अलाउड नहीं थे। फोर्ट पीछे ये हम जा रहे हैं एक्वेरियम की तरफ। सभी तीन चीज़ें बिल्कुल साथ में हैं, एक है ये फोर्ट, फिर जहाँ हम जा रहे हैं एक्वेरियम, एंड इसके इधर में एक पार्क है बहुत अच्छा बहुत प्यारा पार्क है, तो वहाँ पे हम जाएंगे, पहले भी जा चुकी हूँ मैं। सो हाँ, एंट्री पॉइंट फिश का मुंह, और ये बहुत अच्छा व्यू, इधर पूरा दिखाऊंगी जाके, पूरा छोटा सा जम्मू दिखता है यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा है जम्मू बट बहुत ही टाइनी अच्छा सा लगता है। दिस इज द फेस, ये फोर्ट रहा। वाह वाह, एक फिश एक्वेरियम के सामने जम्मू का सबसे, ये क्या बोल रहे हैं? पीछे एक्वेरियम है, नीचे को हम जा रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत गर्मी हो गई है, थोड़ा ठंडक भी मिलेगी। ये एक्वेरियम, एक्वेरियम का मैप, एक्वेरियम ये नहीं, तावी रिवर है, ये व्यूइंग गैलरी, एक्वेरियम ये तावर टाटा नहीं देखा। ये सारे फिशेज हैं यहाँ पे, एंजल एट्रास, गोल्ड फिश, यहाँ पे भी गोल्ड फिश ही है शायद, यहाँ लिखा नहीं है। ब्लैक शार्क, इसकी फिश का है बोरी, दिस इज द फिश। हाय, इधर भी है फिशेस, ये जो पीछे फिश है देखो कितनी सुंदर लग रही है, ऑरेंज येलो कलर की, और यहाँ पे और भी फिशेस हैं, यू कैन सी
दिस इज वाइट शार्क कैटफिश. मेरे को सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लग रही है कि यहाँ पे एसी चल रहा है, ठंडक हो रही है, बिकॉज इतनी गर्मी हो रही थी अभी पूरे उसमें. मैं कुछ डिहाइड्रेशन भी हो गया कि नींबू पानी वगैरह पी रहा मैंने. बहुत अच्छी अच्छी फिशेज भी हैं और अच्छा लग रहा है. और मैं आपको पीछे का व्यू दिखाती हूँ. इधर तो पेड़ है और यहाँ से पूरी रिवर दिखेगी. हाँ पूरी रिवर, पेड़ इधर और क्लियर दिखेगा. यू गाइस कुछ सी है यहाँ पे, पूरा सब दिख रहा है इधर को. बहुत अच्छा व्यू लग रहा है. मैं चीज से देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे एक्वेरियम्स हैं और हर एक्वेरियम में इतनी फिशेज है. बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आई नो कि बहुत सारी स्पीशीज हैं फिशेज की, बट देख भी सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की वेराइटी की फिशेज हैं यहाँ पे एक्वेरियम में. और ठंडक भी दे रहा है. एंड लुक एट दिस, दिस सो ह्यूज, बहुत बड़ी बड़ी फिशेज आई हैं अभी तक देख रहे थे. ये थी तो ये छोटी है साइज में बट ये बहुत बड़ी फिश है. तो यहाँ पे डिस्प्ले गैलरी लगेगी, फिश मैन कैसे होता है, ठीक है, उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, कास्टिंग नेट, हैंडल नेट, लोट नेट. और यहाँ पे कुछ करोलाज एंड शेल्स भी रखे हैं. आई रियली लाइक शेल, मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं शेल्स और बहुत सारे लगे हैं. सो नाइस गाइस, पीछे व्यू देखो एक बार आप लोग. नदी बिल्कुल जम्मू पूरा दिख रहा है यहाँ पे, नदी पूरा शहर वहाँ पे. देखो बहुत ही मस्त व्यू है यहाँ पे. तो क्रिश कैसे लेट गया था यहाँ पे जगह मिलती लेट जा रहा है तो थक गया ये लड़का. हम लोग आए हुए हैं बैटरी में यहाँ पे क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे. 4 बज गए शाम के और इतनी तेज धूप हो रही है. सब बच्चे यहाँ पे, ये लोग भी बैठ गए मेरे पीछे देख रहे हैं. यहाँ पे पार्क में यहाँ पे म्यूजिकल शो होता है, यहाँ पे सीट्स वगैरह लगी हैं. बट हम लोग बहुत जल्दी में हैं और आज ही हमारी ट्रेन भी है और अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे. आई डोंट नो द टाइमिंग क्या है, टाइमिंग पता करती हूँ यहाँ पे कि टाइमिंग है क्या. एक्चुअली मैं बताती हूँ आपको कि म्यूज़िकल शो कब होता है. बट हाँ म्यूज़िकल शो मैंने देखे हैं अक्षरधाम वगैरह में, बहुत अच्छे होते हैं. तो यहाँ पर भी वैसे अच्छा ही होता होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन वगैरह सब कुछ लगी है. और पार्क उधर है और भी अच्छा पार्क है, बट लेट्स सी इफ वी गो देयर ऑर नॉट बिकॉज़ वी आर गेटिंग लेट. अभी एक बहुत बड़ी घटना घटी है. घटना ये घटी है कि भाभी जी रेस्ट कर रही थी कहाँ, पेड़ के नीचे इस वाले पर, हनुमान जी के भक्त ने आके सुसु कर दिया है. तो पेड़ पे करा ना, नहीं इन्हीं के ऊपर कर दिया है. कहाँ कर दिया, पैर पे सुसु कर दिया. छी 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 छी, कह तो रही हो महान है सबके सब. ये डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर के थ्रू होता है गैस. हम अंदर नहीं जा रहे हैं बिकॉज बहुत लेट हो चुका है. और ये वाटर म्यूजिकल फाउंटेन शो एक तो यहाँ पे इतनी गर्मी थी तो मैं सिर्फ आइसक्रीम ही खा रही थी यहाँ पे. कुछ वैसे सॉलिड फूड ही नहीं खा रही, सिर्फ आइसक्रीम ही खाई जा रही थी मैं. फिर हम उसके बाद गए थे रघुनाथ टेम्पल. यहाँ पे भी बहुत अच्छी मार्केट लगी हुई थी पूरी. और आपको पता होगा कि रघुनाथ टेम्पल पे भी एक बार ऐसी अटैक वगैरह भी हुआ है. तो मतलब यहाँ पे बहुत सेफ्टी वगैरह चेक करते हैं, यहाँ पे हमेशा आर्मी रहती रहती है. एक तो मैं गई भी, हम लोग गए भी, मतलब जन्माष्टमी अगले दिन थे तो बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था पूरा सब कुछ. यहाँ पे काइट्स वगैरह लगी थी अंदर भी, बहुत फूल से और बहुत अच्छा अच्छा सजा हुआ था. तो हाँ ये मतलब कि काफ़ी अच्छा सजा हुआ था. फिर आपको मैं ये दिखा सकती हूँ, ये जो होते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसी मतलब रूम्स वगैरह कह सकते हो मंदिर में, अंदर में ही है जहाँ पे ये पूरा से बने हुए हैं. हर रूम में ऐसे ही बना हुआ है, ये देवता के रूप बोलते हैं इनको. तो बहुत सारे मतलब हर भगवान के बने हुए इसमें. हम सब लोग घूम घूम के, तो पहले इतनी गर्मी है यहाँ पे और घूम घूम के लिटरली बहुत थक गए. सब ऐसे ही पड़े हुए हैं कि बिल्कुल जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पड़ जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए सब लोग. पीछे मेरे गणेश जी का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर की जुड़ाई कहीं पर भी सीमेंट से नहीं हुई है. उसको आप देखने के लिए देख सकते हैं, एक जगह सीमेंट बिल्कुल यूज नहीं हुआ है, इसमें सुर्खी और चूना यूज हुआ है. बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर, जितना लाइफ बीतता जाता है उतना मजबूत हो जाता है. इसका क्यूरिंग टाइम मीन्स जो मजबूती आती है 100 साल के बाद और मजबूत होता जाता है.
इसलिए पुराना मंदिर है ये मंदिर 1850 के आसपास का है। आप समझ सकते हैं इसकी मजबूती देखिए, आज भी इसका गुंबद वैसे ही है। धन्यवाद। ये जो है शिवलिंग क्रिस्टल से बने हुए हैं एंड इस शिवलिंग में सबसे अलग बात है कि इसमें हमेशा एक दीप जलता हुआ दिखेगा शिवलिंग के अंदर और एक सांप बना हुआ हमेशा दिखेगा और एक और शिवलिंग है जो इतना बड़ा यहाँ पे शिवलिंग है। तो फिर हाँ ये बहुत ही बड़ा शिवलिंग है आप देख सकते हैं। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पहलवान। यहाँ पे एक जगह है गांधीनगर, वहाँ पे हम लोग जब जम्मू में थे तो बहुत खाते थे, बहुत पसंद थी वो जगह। तो अभी हम सब लोग वहीं जा रहे हैं गांधीनगर में, वहाँ पे पहलवान है और भी डिफरेंट स्पॉट्स है जहाँ पे हम खाना खाएंगे। फाइनली मैं आ गई हूँ बहुत टाइम बाद, मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी, सारा खाऊंगी मैं अभी। पूरा गांधीनगर है, ये पूरा गांधीनगर है और यहाँ पे इतना सब कुछ वैरायटी में खाने को मिलता है। हम लोग जब जम्मू रहते थे हम लोग इतना आते थे यहाँ पे, इतना मस्त खाना मिलता है यहाँ पे। फिर हमने अपना खाना यहाँ पे पापा दी हट्टी वैसे यहाँ पे खाया था, बहुत ही बढ़िया खाना देते हैं। और फिर हम जम्मू में आए, वह भी पहलवान के हम फालूदा कुल्फी ना खाया सो नहीं सकता। तो ये फालूदा कुल्फी है जो मुझे मतलब बहुत पसंद है, बहुत ही बढ़िया होती है। और फिर उसके बाद पापा अपने लिए आइसक्रीम लेके आए थे, ये भी तीन फ्लेवर की आइसक्रीम थी। और देख सकते हो मतलब जम्मू बहुत सुंदर सिटी है, बहुत ही अच्छा अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा जम्मू में, बहुत ही सुंदर सिटी है जम्मू। सो गाइज विद दिस आई एम एंडिंग द डे 3 ऑफ द व्लॉग और यही था हमारा ट्रैवल व्लॉग जम्मू का एंड वैष्णो देवी का। एंड मैं खा रही हूँ मिस्टी दही साथ में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ़ यू वॉच टिल हेयर, लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू न्यू टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।